दिल जंगली मुझे अच्छी लगी, अच्छी स्टोरी है, कॉलेज की बेसिकली स्टोरी है, दो दोस्तों की कहानी है, उनके उनको प्यार होता है और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। आई मीन कंपैरिजन में करेंगे तो तापसी का एक्टिंग थोड़ा कम है, पर इट्स अ गुड मूवी, काफ़ी अच्छी है मूवी और काफ़ी एंटरटेनिंग है और आज के यूथ को काफ़ी पसंद आएगी ये मूवी। अच्छी फिल्म है, कॉमेडी की बात करें तो काफ़ी हद तक ठीक ठाक है कॉमेडी, इतनी हंसी नहीं आती। स्टार्टिंग में थोड़ा है कॉमेडी बट बाद में थोड़ा सैडनेस वगैरह है। डायरेक्शन थोड़े और बेटर हो सकते थे लेकिन ओवरऑल अच्छा है, मतलब अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है, काफ़ी हद तक मतलब कनेक्ट किया भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कंटेंट वाइज और डायरेक्शन वाइज थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। फर्स्ट हाफ तक बांध रखी थी, फिर सेकेंड हाफ तक थोड़ी बोरिंग हो गई थी। जोड़ी की बात करें तो हाँ, मुझे इनकी जोड़ी काफ़ी अच्छी लगी, पसंद आई मुझे, इनकी केमिस्ट्री अच्छी लग रही है ऑन स्क्रीन। साकिब के जंगलीपन को देखकर मतलब आप भी उस पर फिदा हो जाने वाले हैं बिल्कुल। जोड़ी हाँ अच्छी थी उनकी जोड़ी, साथ में अच्छा लग रहा था। मुझे देखा जाए तो वो तापसी पन्नू की एक्टिंग थोड़ी सी अच्छी लगी, साकिब की ओवरऑल ऐसे बोले एवरेज में थी एक्टिंग। 3.5 3 3 आई गिव 2.5 हेट स्टोरी 4 इट वॉज गुड, इट वॉज आई विल रेट लाइक 4 to 4.5 टू डैट मूवी। एंड उर्वशी रौटेला वॉज टू हॉट, नो डाउट शी इज़ ब्यूटिफुल एंड शी हैज़ प्लेड वेरी गुड इन दिस, यू नो द कैरेक्टर ऑफ वैम्प एंड एज वेल एज द रोमांटिक लवर काइंड ऑफ स्टफ। आई एन्जॉयड यू नो सीइंग दैट ट्विस्ट बिटवीन यू नो ब्रदर्स लाइक करण वाही एंड विवान वर फाइटिंग विद ईच अदर, बींग यू नो बींग अ बिग ब्रदर ही वॉज फाइटिंग विद हिम एंड दे टू लव ईच अदर, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ गुड ट्विस्ट that ultimately you know Urvashi was the vamp who was trying to you know plot this all stuff. It was okay, my expectations were way too high according to first parts, but it was not up to the mark which I expected it would be. Ve bahut acha hai, bahut achi movie hai. No, I loved the movie actually. I didn't find anything which is downgrading the movie. It was awesome, like yeah, it was okay, it was average. The story and the climax in the other hate story parts, the climax was much better and the suspense, but not, it was quite judgeable that this would be happening now, this would be happening. Not so nice, not expected too much but not that much good. Urvashi Rautela was amazing, her acting was also good and Karan Vai's acting was not that good, that great. Like usually girls are just used for erotic scenes but she actually knows acting, so yeah. Karan Vai is good, he's in a good role, so if you want to look at the newcomers for that it's good, kyunki stars ko to waise hi dekhte rehte hai, so yeah, it's a good watch one time. Karan Vai is looking so stunning and Urvashi is fab, seriously fab. Songs are very good and especially the song Tum Mere Ho Mere Hi Rehna and Aashiq Banaya, of course Himesh Reshammiya and Neha Kakkar is awesome. Only one song was good, Aashiq Banaya, and most of the songs are not so good. 3 stars 3 2 2.5, not more than that. 3.5 stars.